अपनी तानाशाही दिखा रहा है, देश का राजा है, हम उसकी प्रजा है, पर वो प्रजा को समझ नहीं रहा। जी वो इलेक्शन आवे जीव तो नुके है, अगनु को जनता जनार्दन है, उसके बाद में काम लिकर जा, फिर जनता को मुट्ठी भर बता लगे। दूसरी बात, उदंत 7 साल प्रधानमंत्री को होलिया कोई गन्ने पे 1 रुपया नहीं बताया, बिल बिजली के ऊपर ले गया। अमित शाह आगे लड़के के इन्हें करोड़ों रुपए माफ़ कर दिए, किसानों का क्या कर्ज माफ़ नहीं कर सकता। यूँ जो किसान गरीब आदमी है, घर गिरवी धरे, उनके कनेक्शन कटवा रहा, लेडीज को जो है कनक इन जो है वे दिए सिलेंडर फ्री, उसके बाद में फिर 8,500 का एकदम तक कर दिया इन सिलेंडर, पेट्रोल डीजल कहाँ जा रहा, 850 का तो सिलेंडर कर दिया एकदम से ही है, 100-200 रुपये घरों के बिल के आ रहे थे, 1,000 रुपये बिल के आ रहे एक महीने में ही, ट्यूबवेल की पावर बढ़ा दी। लेकिन आपने जो कमी बताई है, इसके अलावा सरकार आपको किसान सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपये भी देती है हर साल? ना दोवे वे, ना दोवे, हमें नहीं चाहते। हमारा कर्ज माफ़ कर दो, हमारा बिल फ्री कर दो, हमारा अपनी चीज़ के तो भाव पूरे ले गया, हमारे कहीं भी गिनती में लगाया उन्होंने, बताओ तुम इस बात को। 4 साल हो गए हैं, हाँ, सरकार नाज 2,000 रुपये का पहले जाकर 1,600 रुपये ले कर टेक दिया, 1,600 रुपये कुंटल कर दिया। आज पेट्रोल डीजल को देख ले कहाँ जा रहा, 500 रुपये में टंकी भर जाती, आज 3,000 रुपये में एक टंकी नहीं भरती, एक खेत नहीं बूता उसमें, तो महंगाई में कौन मरेगा, जनता ही तो मरेगी। जो युवा पीढ़ी है आज की, वो हम उनसे सवाल करते हैं, वो बहुत महंगाई है, तो वो कहते हैं महंगाई कोई बात नहीं है, झेल लेंगे, देश मजबूत हाथों में है, नहीं तो देश गुलाम हो जाएगा मुसलमानों का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुसलमान कहीं भी देश के आए हुए, मुसलमानों ने तो इस देश में बलिदान भी दिया, अब्दुल हमीद हुआ, अब्दुल कलाम हुआ, हैं, वे भी तो मुसलमान ही थे, जो इस देश का सच्चा सपूत मुसलमान है वो तो बिल्कुल कंधे से कंधा मिला कर अड़ा हुआ है। मुसलमानों को तो यू ही फैसिलिटी दे रहा, काट दिए इन मुसलमान इन, जब नू कहा था जी इलेक्शन में कहला जो थारे मन में वही मारे में, हिंदू इस भकाई में आ गया कि नुको मुसलमानों को काट देगा, मुसलमान किसी पर नहीं निकलेंगे, वे भी इस देश के बासिंदे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है भाजपा बड़े पैमाने पर, हाँ। उसने कहा है अमित शाह ने, हाँ। कि जैसे हमारी सरकार बनेगी पश्चिम बंगाल में पहला काम हम सीए लागू करने का करेंगे। अच्छा, तो उसमें मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा बीजेपी के सरकार के द्वारा। इब तो सभी संपन्न हो रहे, पढ़े लिखे हो रहे, सभी अपने को जो है 2 बच्चों तो बत्ती करने नहीं चाहते, महंगाई इतनी है, ये करो या ना करो। जो मुसलमान पढ़ा लिखा है, वकील भी हैं, जज भी हैं, वे सब संपन्न है, वे 2 बच्चों तक बत्ती नहीं करना चाहते भैया, ये कोई ऐसी नवी बात नहीं बता रही है। लेकिन जो राजनीति है हमारे देश में वो हिंदू मुस्लिम पे चल रही है पिछले 10 साल से करीब। अब जो दिल्ली NCR के जो मंदिर हैं वहाँ बोर्ड लगा दिए गए हैं मंदिरों पे कि मुसलमान मंदिर में ना घुसे, बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए हैं। ये तो जातिवाद फैला के तो यू अपना उल्लू सीधा कर रहा, धर्म पे ले जा बात को, और नहीं तो इस देश में सब ढाल के धर्म है अपना कर खा रहे, कोई किसी का विरोध नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भाजपा के कि हिंदू खतरे में है आज, हाँ हिंदू कहीं में खतरे में है, कोई खतरे में नहीं हिंदू, ना मुसलमान खतरे में, ना ईसाई खतरे में, देश आज़ाद है, सब आज़ाद है, अपने भाग का सब ले रहे, जो कुबात कर रहा उसे मिल रहा, जो नहीं कर रहा वो बदमाशी दिखा रहा। मोदी का राज खतरे में आवागा गए, हाथ भी जोड़ लिए, कुशामंद भी कर ली, राजा है तो हम तेरी प्रजा है। अमित शाह कहते हैं कि हम देश में 50 साल राज करने आए हैं, हैं? अमित शाह कहते हैं, हाँ अमित शाह तो जो है परमात्मा पर लिखवा के ले आ कागज का, एक सांस की आड़ नहीं मानस की, वो 50 सालों की बात को लेकर चल रहा। हमारे देश में जो बहुत बड़े पैमाने पर 40 साल का रिकॉर्ड टूट गए हैं बेरोजगारी की, और अर्थव्यवस्था डूबी पड़ी है, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल भी महंगा, CNG LPG सब कुछ महंगी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो कहीं सड़क पर नहीं आ रही है। युवा पीढ़ी भी आ जाएगी जब उनकी नौकरी लगी, उम्र लिकेटगी, वे और कहाँ जाएंगे, ये बदमाश बनेंगे, जो नेक मास है अपने जमीन को बोवा खावेंगे, थोड़ी थोड़ी आवेगी। किसान परेशान है, जवान परेशान है, बेरोजगारी है, क्यों भाजपा को डर नहीं लगता कि हमारा वोट बैंक हमसे दूर चला जाएगा? जाएगा, इब तो तानाशाही नु चल रही है, पूरा बहुमत है उसका, मनमानी कर रहा, पर आगे समय आने वाले में सदा किसी की नहीं रही, बताओ रही क्या किसी की? जो इतनी अच्छी सरकार होती तो यह देश में तो हटा ही नहीं थी, मौका ही कितना दिया जनता ने, साल भर तो बच्चों को देने का मौका था, नहीं अब नहीं देंगे, क्यों? मौका
50 साल कांग्रेस राज करगी, अगर जो ये अच्छा राज करती तो ये हटे ही नहीं थी, इन्हें 15 साल का मौका मिला भी लो। यदि उन्होंने अच्छे काम किए तभी तो 50 साल राज कहते कांग्रेस ने। हाँ खजाऊ ना, ये 7 साल में परेशान हो गए से आप। हाँ परेशान तो न हो गए, सब डंगा दूना कर दिया, हमारा कुछ नहीं देख दिया, सारा बिक गया, हमारे गन्ने पर नहीं करा, हमारे गेहूं पर नहीं बधारा, 15-15 लाख रुपए काले धन में, जनता तो नहीं सोची थी भाई काला धन लियागा सबके खाते में 15-15 लाख रुपए गिरेगा, बड़े लोगों के पैसे काट गए गरीबों को देगा, इन्ना मिस आगे लटके के कुकर माफ कर दिए कई करोड़ रुपए। लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो अब भी कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो फिर कौन, मोदी नहीं तो फिर कौन, और आवागा नहीं करेगा, राकेश टिकैत प्रधानमंत्री बनाओगे ना, राकेश टिकैत प्रधानमंत्री और बहुत है ऐसा का, यही हम तो किसान है, हम तो किसान है, कमाने वाले हैं, तो किसानों पर मारे मारे में तो नेता बन के आवेंगे, राजा बनेंगे, ऐसी बात नहीं। अच्छा क्या लग रहा है मोदी जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं कहते कांग्रेस कहते हैं? देखो विकल्प तो है, विकल्प तो बहुत सी पार्टी है, वे आएगी और देश का सुधार करेगी। केजरीवाल जी है दिल्ली के अंदर है, उनने बिजली पानी फ्री कर रखा है, क्या केजरीवाल की जो सरकार घाटे में है, आपसे बोलता हूँ घाटे में है, अब फिर इसने सारा देश लीलाम कैसा कर दिया, हर चीज ठेके पे दे दी गई, देश की सुई भी बेचने का अधिकार नहीं है लोकतंत्र में। लेकिन जो वित्त मंत्री ना सीतारमण जी हाँ? वो ये कहती है कि हम ये सरकारी कंपनी नहीं चला पाएंगे, घाटे में है, ये घाटे में है तो ये प्राइवेट वाले कैसे चला रहे हैं उसे फायदे में, वे भी तो जनता का शोषण कर रहे हैं, अब वे दूना शोषण कर रहे हैं, क्या आप उनसे कुछ थोड़ा सा बढ़ा के चला सकते, नहीं चला नहीं सकते थे भाई। मंत्रिमंडल में हर मंत्री पैसे लेता है, तनख्वाह ले रहे, सारी सुख सुविधा लेता है, किस लिए देती है आवाम, अपना एक वकील खड़ा करती है जनता, अपनी आवाज़ की लिया कहना एक संसद में भेजती है, कहना हमारा आदान प्रदान क्या है, हमारी रक्षा कैसे होगी, हमारे लेने देने की, जो हम उत्पादन कर रहे हैं, जो हमें आवश्यकता है बाहर से लेने की, ये मंत्रिमंडल तैयार होते हैं, अभी अपने सब क्रम भूल के हर चीज़ को ठेके पर देना शुरू कर, फिर हमें इनकी आवश्यकता क्या है मंत्रिमंडल की, हमें इनकी जरूरत क्या है, फिर तो एक ही आदमी देश चला देगा, बाकी तो सब ठेके पर जाना ही है। वो ये भी कहते हैं कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करते ऑफिसों में, जो सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, क्या देश क्या सारी इतने आगे बढ़ जाता, देश ने विकास नहीं कराया क्या भाई, हम किसान हमारे बाप बाहर चरस्ता पानी खींचते थे, हमारे पिताजी और पर लंबा रहा तो उनके हरट लग गए, हमारा लंबा रहा तो 12 के बटन दबाने रह गए, तो ये विकास ही तो होगा, ये कांग्रेस का ही तो विकास होगा, ये देश का विकास ही तो होगा। वो तो कह रहे हैं गड्ढे खोदे कांग्रेस ने 70 साल, कौन कहता है गड्ढे खोदे, भाजपा ने खोदे हर चीज को ठेके पे देगा, हमने पहले ही बोला कि ये देश ये मंत्रिमंडल किस लिए है, हम किस लिए तनख्वाह दे रहे हैं, जो देश लीलाम करे जा रहा है प्राइवेट को दे दिया जा रहा है, प्राइवेट भी तो शोषण ही तो कर रही है जनता का, शोषण करके ही तो फायदा उठा रही है उस, और एक बहुत बड़ी बात भाई, सरकार 5 साल के लिए एग्रीमेंट सैकड़ों साल के लिए भरे जा रहे हैं, आने वाली सरकार क्या करेगी उनके बारे में, अडानी अंबानी को दे दे ठेके हाँ, तो सैकड़ों साल के एग्रीमेंट क्यों भाई, मेरी सरकार है, मैं राज करना, मेरी अवधि है 5 साल की, अब 5 साल में मेरा राज खत्म होना है, आगे आया तो आगे का एग्रीमेंट होगा, तो इतना अधिकार तो किसी को नहीं होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर कि 100-100 साल का कड़ा एग्रीमेंट भरे जा रहा है, ये तो अधिकार नहीं है। तो अमित शाह भी तो कहते हैं 50 साल राज करेंगे हम, ये आपने अमित शाह ने बोल दिया ऐसा हो जाएगा, मैं बोलता हूँ मैं आने वाले 10 साल में प्रधानमंत्री बनूंगा, क्या बन सकता हूँ। लेकिन अमित शाह जी ने ये भी कहा था कि हम 300 सीट लाएंगे, 300 आ गई उनके केंद्र में 2019 में, ये कहा था ना पहले उन्होंने, ऐसा है जी, जिस टाइम दूसरा वर्ल्ड वार हुआ और हिटलर आगे बढ़ता चले गया, तो उनका जो जर्नल था इंग्लैंड का, तो वो शिकस्त खा गया, वो घुटने टेक गया, तो जो पहला गवर्नर था वो लेगा, उसे लेने के बाद में उसने कहा, उसने सबसे पहले वी लिखा, हर जगह सरकारी स्थल पे बिल्डिंग पे वी लिखा, वी से होते वो हौसले बुलंद, हमें विजय मिलेगी। तो इसी तरीके से
कि ये जो है अपने हौसले बुलंद कर रहे हैं और जो जनता के दिल में भय पैदा कर रहे हैं कि इनका राज तो आना ही है, डर पैदा है जनता। हाँ, एक और है, ये जनता समझ ले जो विकसित देश है वहाँ ब्लड पेपर से चुनाव हो रहे हैं और यहाँ मशीनों से। जो विकसित देश मशीन नहीं चला सकते क्या? वे कंप्यूटर वाले अमेरिका जैसे देश कंप्यूटर नहीं चलाते क्या? एक क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा आराम से। ये मशीन भी हानिकारक है लोकतंत्र के लिए। एक मिनट सुनो। हाँ, ये भी नुकसान पहुंचा रही है। एकदम सिंपल है, बहुत आराम से समझना। देखो, इलेक्शन में जातीय वोट बहुत मैटर करता है, ये आप मानते हो। जितने आपके जातीय वोट परसेंटेज है, चाहे वो एससी हो, एसटी के हो, जाट के हो, गुजर के हो, 1% 2% 8% 9% 10% 14% ऐसे टोटल। ये आंदोलन उन सारे जातियों को एक प्लेटफॉर्म लाने पर सक्षम है। भारतवर्ष का यही दुर्भाग है, हम जातिवाद धर्मवाद में बैठी हुई है, इसीलिए सच्चा लोकतंत्र नहीं बना पाए आज तक। हमारे यहाँ भीड़ तंत्र प्रयोग हो रहा है और जंगे ज़्यादा भीड़ होगी उसी का राज होगा और वही मनमानी कर गया। सच्चा लोकतंत्र तब होगा जब हम जातिवाद धर्मवाद से ऊपर उठ जाए। सर, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव चल रहा है तो वैसे बीजेपी कहती है कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, लेकिन वहाँ की जो ममता दीदी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, उसको घेरने के लिए, उसको हराने के लिए भाजपा वालों ने 40 लोगों की लिस्ट चुनी हुई है जो स्टार प्रचारक हैं, उस पर रोजाना आरोप लगाते हैं, उन पर हमले करते हैं महिलाओं पर। क्या महिलाओं को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखो, बंगाल में महिलाओं का ही राज है, क्या महिलाओं के राज में महिलाओं का अत्याचार हो रहा है महिलाओं पर? महिलाओं का राज है, अरे ये तो मलकू का राज है भाजपा में, तो इन्हें तारा साहुता का राज है भाई। जहाँ जहाँ इनका राज है वहाँ बलात्कार अत्याचार नहीं हो रहेगा। आज किसान 4 महीने से बॉर्डर पर बैठे हैं, ये किस लिए? ये अत्याचार नहीं है क्या? ये सरकार का अत्याचार नहीं क्या? ये तो महा अत्याचार है। पिछले सात साल तक जंतर मंतर नहीं खोला गया, जो लोकतंत्र का न्याय है, कहें जहाँ सैकड़ों प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते थे, अपनी एप्लीकेशन देते थे राज्यपाल को, अपनी आवाज़ बुलंद करते थे, मन तक जाने नहीं देते। किसान तो दिल्ली जा ही नहीं सकता, इस पर तो इतने बड़े अंकुश लगे हुए हैं। सवाल है, किसान नेता रहे हमारे देश में चौधरी चरण सिंह जी, उनके बेटे अजीत सिंह हैं, उनके पोते जयंत सिंह हैं, क्या मोदी लहर में वो किसान नेता भी आपने हरा दिए? कुछ ऐसा ही हुआ है मोदी लहर में, कुछ ऐसा हुआ है कि देखो, हम तो मोदी को वोट देवा नहीं है, हमें तो इनका पहले से पता है। हमारे बाप दादा कहते हैं जनसन नहीं आना चाहिए, जनसन तुम्हारे देश को तबाह कर दे, बेक दगा ये। अब कुछ जो है ये हिंदू मुस्लिम में बहक के इन्होंने वोट दे दी, आज उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। पूरी भारतवर्ष को देखना पड़ रहा है, जातिवाद धर्मवाद में बैठ गया हमें, आज यही खेल खेले जा रहा है हमारे से। इसीलिए हमें जो है 4 महीने यहाँ बैठे बैठे हो लिए। तो सर, अब जाति धर्म बात भूल के हर जाति का लोग, हर जाति का लोग किसान है, हर धर्म का लोग किसान है, यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा आप ही बताओ, यहाँ पूर्ण सहयोग दे रहा है नहीं दे रहा है? किसान जातिवाद धर्मवाद से ऊपर उठ चुका है। तो कुछ अब टक्कर दे पाएगा जनसंघ वाली सरकार को किसान? बिल्कुल देगा जी।